मध्य प्रदेश में पिछले दिनों घटे सियासी घटनाक्रम के बाद प्रदेश में बीजेपी नेताओं का राजनीतिक भविष्य संकट में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों ने बीजेपी की बहुत सारी सीटें हाईजैक कर ली हैं, जिसके बाद कई नेताओं को यह डर सता रहा है कि उन्हें अब विधानसभा का टिकट मिलना काफी मुश्किल हो गया है। ये मगजमारी और बगावत की ऐसी सुगबुगाहट हर सीट पर है। सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में भी टिकट का मामला काफी गर्माया हुआ है। यहाँ से प्रद्युम्न सिंह तोमर ने चुनाव लड़ा, जीते और कमलनाथ सरकार के मंत्री भी बन गए, फिर कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए और अब उपचुनाव के लिए बीजेपी से टिकट लेकर रहेंगे। उनसे पहले तक जयभान सिंह पवैया ग्वालियर सीट से बीजेपी के टिकट पर लड़ते थे, यानी कि उनका राजनीति करियर दांव पर है। इसीलिए कांग्रेस की कोशिश है कि पवैया किसी भी तरह उनका साथ दे दें, जिससे कि उनकी ताकत बढ़ जाए। इसीलिए गाय बगाए पवैया की नाराजगी का फायदा उठाने की कोशिश करते रहते हैं। हाल ही में पवैया ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश नए मंत्री जब ग्वालियर आए तो वीरांगना लक्ष्मीबाई की समाधि पर फूल नहीं चढ़ाएं। याद रखें कि प्रजातंत्र मंत्री परिषद शहीदों के लहू से उपजा है। दरअसल प्रद्युम्न सिंह तोमर और ओपीएस भवैया सिंधिया समर्थक सिंधिया की छतरी पर फूल चढ़ाने गए थे, पर रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर नहीं, क्योंकि सिंधिया और रानी लक्ष्मीबाई की कहानियों से पुराना इतिहास भरा पड़ा है। पवैया ने ये बताया कि कहीं तो कांग्रेस को फिर से उन पर डोरे डालने का मौका मिल गया है।